गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे वो वैकेंसी अब आ चुका है। बिहार दरोगा की वैकेंसी अब आपके सामने है। मंगलवार से यानी 24 अक्टूबर 2017 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए, हमने कहा भी था आप लोग को, क्योंकि ये वैकेंसी इस बार के लिए समझ लिया आप लोग के लिए महापर्व है। और मेरे ख्याल से अगर इस बार किसी तरह से चूक होगी तो निश्चित तौर पर से एक बड़ी वैकेंसी का आप लोग मिस कीजिएगा, क्योंकि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि पैटर्न भी बदला हुआ रहेगा। इस बार स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आपका रिटर्न बिल्कुल होना चाहिए। और जहाँ तक बात है दौड़ का, तो फिजिकल टेस्ट के लिए अभी से आप लोग रेडी हो जाइए, पसीना बहाना स्टार्ट कर दीजिए फील्ड पर। चूंकि 24 तारीख हमने कहा भी था कि आप लोग जाइए फेस्टिवल में, फेस्टिवल को मनाइए। इस बीच में आपको बहुत बेहतरीन सूचना मिलेगी, www.bpssc.bihar.in पर ये वैकेंसी आ चुका है। 1717 अभ्यर्थी और 17 सीट खेल कोटा से, यानी टोटल 1734 सीट की वैकेंसी अब आ चुकी है। जनरल कैंडिडेट, ईवीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, मेल और फीमेल सभी के लिए एक अलग कैटेगरी बनाया गया, जिसके लिए चालान 700 रुपये रखा गया और एससी एसटी के लिए 400 रुपये रखा गया है। खैर ये तो खैर इन्फॉर्मेशन आप लोग देखिएगा तो बिल्कुल मिल ही जाएगा। लेकिन जिस चीज़ का वेट हम लोग बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे, बेसिकली इस बार जीएस का बोलबाला होने जा रहा है। और 100 सवाल का मतलब है कि हर एक सवाल पर आपका नज़र बहुत पक्का होना चाहिए, क्योंकि इस वैकेंसी के साथ, इस वैकेंसी की हम पढ़ाएंगे नहीं बल्कि इस वैकेंसी के साथ हमारा लाइफ का अटैचमेंट और इस बार हमारा टेंडेंसी होगा, हमारा हर एक सिस्टमेटिक सिचुएशन होगा। इस बार किसी भी प्रकार से आप लोग की जमात तैयार कर दें, एक ऐसा जमात जिसमें लगे कि हाँ एनएस राजपूत सर के जमात से निकला हुआ ये सितारा है और डबल स्टार आपके कंधे पर दिखेगी। मैं इस चीज का वेट भी कर रहा था, जैसे ही इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। और चूंकि मैं इससे पहले कभी इस बारे में डिस्कस भी नहीं किया, मैं पिछले बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज मुझे लगा था कि इस वैकेंसी के बाद आप लोग से रूबरू हो जाए, क्योंकि इस बार झंडा गाड़ना है और आप लोग को इस बार पूरी तरह से हर एक क्षेत्र में, स्टडी के मामले में, फिजिकल एक्टिविटीज के मामले में पूरी तैयारी करके इस फील्ड में उतर जाना है। रिजल्ट तो होगा ही, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि जो खंड का पैटर्न है, पीटी का जो पैटर्न है, वो ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके थे, उसका एक पैटर्न तैयार किया जा चुका था। पीटी का क्वेश्चन कैसा रहेगा, मेंस का क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो आप लोग अब थोड़ा सा भी देर नहीं करें और ये दिमाग मत रखें कि जल्द से जल्द फॉर्म भरना है, क्योंकि एक लंबी अवधि है, 30/11/2017 तक इसका डेट है, अंतिम डेट। आप लोग आराम से भरिएगा, आप लोग घर गए होंगे आराम से पूरे पर्व का लुत्फ उठाइए। सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। आप लोग छठ पूजा महापर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और वहां से मना के आए तो एक विश्वास के साथ, एक संकल्प लेकर के यहाँ पर फिर मैदान में आए कि इस बार हमें जाना है। और जल्द से जल्द, चूंकि ये पहली बार ये आयोग एग्जामिनेशन ले रही है, तो हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से लेगी और बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से इसका काम होगा। हर एक काम को करने का तरीका इसका थोड़ा डिफरेंट होगा, क्वेश्चन भी डिफरेंट होगा। उस क्वेश्चन में जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसको छोड़ करके नए पैटर्न को एस्टेब्लिश करना है और नए पैटर्न के साथ इस बार मैदान में कूद जाना है। बस पूरी तरह से रिफ्रेश बटन दबा के आइएगा घर से और लग जाइएगा पूरी तरह से इस एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।